तमाम वीडियो के लिए इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त करने के लिए बेल के निशान को दबाएं। नमस्कार साथियों, अब राजस्थान पुलिस के एग्जाम की तारीख घोषित कर दी गई है, यानी कि 7 मार्च से एग्जाम होने वाले हैं। तो समय काफ़ी कम बचा है, ऐसे कम समय में हम जल्दी से जल्दी और अपने पूरे सिलेबस को कैसे कवर करें, इसके लिए मैं आपको एक जो है रणनीति बताने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। क्योंकि इतने कम समय में सिलेबस को कवर कर पाना और उसके साथ साथ जो है उसकी रिवाइज भी करना काफ़ी मुश्किल होता है, फिर भी आप इस रणनीति द्वारा पढ़ेंगे तो उसे आसानी से समझ जाएंगे और अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपके सिलेबस में है क्या। आपके 75 जो नंबर है उसका पेपर आएगा, जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। ये 120 क्वेश्चन जो है वो तीन पार्ट्स के अलग अलग होंगे। जैसे पहला पार्ट्स जो है वो होगा मैथ्स और रीजनिंग का, जो कि 30 नंबर का होगा और इससे 30 ही क्वेश्चन आएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न है वो एक नंबर का होगा। मैथ्स और रीजनिंग जो है उसके क्वेश्चन ही एक नंबर के होंगे, बाकी आपके आधे आधे नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और गलत होने पर प्रत्येक प्रश्न में 1/4 अंक काटा जाएगा। दूसरा जो पार्ट है वो आपका आएगा राजस्थान जीके का, जो भी 30 नंबर का ही होगा और इसके 60 क्वेश्चन आएंगे। यानी राजस्थान जीके महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ राजस्थान जीके से 30 मार्क्स के 60 क्वेश्चन जो है वो आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन के गलत होने पर 1/8 अंक है वो काटा जाएगा। तीसरा जो पार्ट है उसमें कई चीज़ें हैं, सोशल साइंस है, साइंस है, करंट जीके है, इस प्रकार जो है कुल 15 नंबर का तीसरा पार्ट है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आधे नंबर का होगा और गलत होने पर 1/8 अंक काटा जाएगा। तो ये तीन जो है पार्ट हैं उनका काफ़ी सिलेबस है। ये सिलेबस हमें किस प्रकार कवर करना है उसके बारे में हमें जो है रणनीति बनानी है। तो आपने जैसे अभी देखा था कि इसमें कई जो हैं सब्जेक्ट हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम अभी जो है कम से कम आपको लगभग 8-9 घंटे के करीब है वो पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके अंतर्गत आप सबसे पहले, जैसे कि आपके तीन पार्ट हैं, उन तीन पार्टों को आप जैसे मैं बता रहा हूँ उस प्रकार लगभग 7 पार्ट में आपको विभाजन करना होगा, और इस 7 पार्ट के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा सिलेबस लगभग 30 दिनों में आसानी से कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ हमें जो बाकी बचा समय है वो रिवाइज करने के लिए भी मिल जाएगा, जिससे हमारा पूरा पेपर आसानी से हल हो जाएगा और कवर हो जाएगा, जिससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लीजिए तार्किक योग्यता, यानी मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग में कुल जो आपके टॉपिक हैं, मैथ्स के 9 टॉपिक हैं और रीजनिंग के लगभग 28 टॉपिक हैं, यानी कुल मिलाकर 37 टॉपिक है। तो इन टॉपिक को हमें लगभग एक महीने में तैयार करना है, 37 टॉपिक को एक महीने में तैयार करना है। तो जो कुछ सरल टॉपिक हैं, जैसे घड़ी है, जैसे कैलेंडर है, असंगत है, रक्त संबंध है, शब्दों का क्रम है, स्पेलिंग है, जो व्यवस्थित करना है शब्दों को, तो ये ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो कि काफ़ी सरल है, 10-15 मिनट में हो जाते हैं, उनको हम मर्ज कर सकते हैं और इस प्रकार जो है हम 30 टॉपिक उसके बना सकते हैं। क्योंकि यह महत्वपूर्ण तार्किक योग्यता और रीजनिंग का जो रीजनिंग मैथ्स का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप ऐसा काम कीजिए कि प्रत्येक दिन इससे संबंधित टॉपिक को लगभग 1.5 घंटे तक पढ़ें, जिसमें आप प्रतिदिन एक टॉपिक को पढ़ें और कोई टॉपिक छोटा होता है तो मर्ज करके 2 टॉपिक पढ़ें। इस प्रकार आप 37 टॉपिक के 30 टॉपिक बना लें और एक महीने में आपके 30 टॉपिक हैं वो एकदम से कवर हो जाएंगे, यानी 30 अंक के जो है आपके पेपर हैं वो कवर हो जाएंगे। क्योंकि रीजनिंग जो है आप एक बार निकाल लेते हो तो आप उसे यदि आप दोबारा देखते हो तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है और वो रनिंग में चलता रहता है। दूसरी है साइंस। साइंस के आपके सिलेबस के अनुसार 28 टॉपिक हैं,
जिसमें से 30 क्वेश्चन साइंस के सामाजिक विज्ञान है उसके, करंट सीके के उसके आएंगे। तो साइंस के आपके 28 टॉपिक है, दूसरा पार्ट कर लीजिए साइंस का। इसके जो हैं 28 टॉपिक है, तो प्रत्येक टॉपिक को एक दिन में पढ़ेंगे आप, यानी एक घंटे में एक टॉपिक आसानी से पढ़ा जाएगा। तो प्रत्येक दिन आप एक टॉपिक पढ़ें, यानी अब जो तीसरा टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं भारतीय संविधान का, जिसके अंतर्गत लगभग 11 टॉपिक हैं। साथ में भारत का इतिहास भी लेते हैं जिसमें 17 टॉपिक है, यानी 11 प्लस 17 यानी कि 28। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को यदि इतिहास को हम साथ में पढ़ते हैं तो 28 टॉपिक होते हैं, जो कि हमारे 28 दिन में, यानी प्रतिदिन एक घंटा पढ़े तो 28 दिन में आसानी से कवर हो जाते हैं। इसके बाद आता है भूगोल, उसको भी एक घंटा दे। भूगोल में भारत व राजस्थान की जो भूगोल है उस दोनों के मिलाकर कुल 21 टॉपिक होते हैं, तो प्रतिदिन एक घंटा पढ़े तो 21 टॉपिक को आसानी से 30 दिनों में कर सकते हैं। क्योंकि यदि किसी टॉपिक में ज़्यादा समय लगता है तो आप उसको दो दिन में पूरा कर लें, फिर भी आपके पास जो है 21 टॉपिक के 9 दिन हैं वो एक्स्ट्रा बचते हैं, तो आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। फिर है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की संस्कृति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों से लगभग आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो राजस्थान के इतिहास में 10 टॉपिक हैं, इन 10 टॉपिक को आप 30 दिनों में बांट लीजिए, या फिर आपके एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, टॉपिक को पूरा पढ़ना है। तो यदि राजस्थान का इतिहास 10 टॉपिक आप 10 दिन में कवर कर लेते हैं तो अगले 10 दिन में फिर कवर कर लीजिए, फिर अगले 10 दिन में कवर कर लीजिए, क्योंकि ये जो है काफ़ी टिपिकल, यानी कि बहुत गहराई तक जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसको बार बार पढ़िए। तो राजस्थान के इतिहास को प्रतिदिन एक घंटा दीजिए, तो ये 10 टॉपिक महीने में लगभग 3 बार हो जाएंगे आपके। एक घंटा आप दीजिए राजस्थान की संस्कृति को, जो छठा जो भाग है इसका वो होता है राजस्थान की संस्कृति, आप उसको एक घंटा दीजिए, यानी कि इसमें 11 टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत आप मिला के करोगे तो लगभग ये मान के चलो आप 15-16 टॉपिक बन जाएंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक डबल डबल दिए हों या बड़े हैं। तो ऐसे टॉपिक भी आप करेंगे तो महीने में 2 बार ये आपके संस्कृति के टॉपिक आसानी से हो जाएंगे। एक है समसामयिकी, प्रतिदिन आधा घंटा नियम बना लीजिए, प्रतिदिन आधा घंटा आप समसामयिकी पढ़िए, यानी करंट जीके जो है, तो आधा घंटा पढ़ेंगे तो ही आपके एक महीने में काफ़ी सारे जो करंट जीके के क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने 7 भागों में इसको बांट लिया है, मैथ्स रीजनिंग, विज्ञान, भारतीय संविधान एवं इतिहास, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति और करंट जीके। ये लगभग हमने पढ़े हैं, तो हमने जो मैथ्स रीजनिंग का है एक घंटा लिया है, विज्ञान का नहीं, मैथ रीजनिंग का हमने 1.5 घंटा लिया है, विज्ञान का 1 घंटा, भारतीय संविधान एवं भारतीय इतिहास का हमने 1 घंटा लिया है, भूगोल को भी 1 घंटे पढ़ा है, राजस्थान के इतिहास को 1 घंटे, राजस्थान की संस्कृति को 1 घंटे और करंट जीके को आधा घंटा, यानी 7 घंटे में हम 7 टॉपिक हैं वो आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद यदि आपका कोई टॉपिक बड़ा है तो आप उसे 8वें घंटे में पढ़ सकते हैं, या फिर 8वें घंटे में जो हमने सुबह से जो पढ़ा है आप उसे रिवाइज़ कीजिए, यानी सुबह से जो आपने लगातार 7 घंटे पढ़ा है उसे 8वें घंटे में रिवाइज़ कीजिए, और 9वें घंटे के को है वो बचा के रखिए आप मॉडल पेपर के लिए। आप प्रतिदिन एक मॉडल पेपर हल कीजिए तो आप लगभग 30 दिनों में 30 मॉडल पेपर हल कर लेंगे, और 120 के हिसाब से यदि आप 30 मॉडल पेपर के क्वेश्चन देखते हैं तो लगभग आप काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो कवर कर लेते हैं, यानी 3600 के करीब आप क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी रणनीति बना सकते हैं, ये 9 घंटे जो हैं वो आपके जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन हमें मेहनत करके पढ़ना होगा। अब आप ये 9 घंटे में आपने सिलेबस तो जो है कवर कर लिया, लेकिन पढ़ने के भी कुछ नियम हैं, यदि आप उन नियमों के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको आसानी से जो है याद भी रह जाएगा और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। जिसमें देखो 5 जो है ये ऐसे पंच मूलभूत तत्व हैं, यानी मान लो कि ये 5 नियम हैं जिसके माध्यम से आप पढ़ो तो आसानी से याद रह सकते हैं। सबसे पहला नियम है सुबह जल्दी उठें और रात को जल्दी सोएं, यानी सुबह 4 से जो 5 का टाइम होता है वो सबसे अच्छा होता है,
और रात को 10 से 11 बजे सोने का टाइम है वो सबसे अच्छा है। यानी इस के अलावा आप जो पढ़ेंगे टाइम वाला, सुबह 4 से 5 से 4 या 5 बजे से लेकर रात को 10 या 11 बजे के मध्य का जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा है। इतना बाद में जो 10 11 से 4 5 बजे तक का टाइम है वो आपको सोने को देना चाहिए। दूसरा जो नियम है वह यह है कि दिन में कभी न सोए, दिन में बस हल्का सा आराम करें, और दिन में जो पढ़ाई का समय होता है वो रात से काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए दिन में कभी ना सोए। कर रहे हैं वो बैठ कर करें। चौथा जो नियम है वो टॉपिक को पूरा पढ़े, यानी आप अपने जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को पूरा पढ़े, और उस टॉपिक के संबंधित जो वीडियो हैं वो टाइम मिले तो आपको वीडियो भी देखिए, क्योंकि छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, जैसे ये टॉपिक जो है आपके इससे संबंधित, जैसे जीके के वीडियो मैंने डाल रखे हैं, आपके राजस्थान पुलिस के काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं, और कोशिश करता हूँ कि आपके पूरे जीके के वीडियो मैं डालूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस टॉपिक से संबंधित वीडियो है वो मिल जाए। चौथा यानी टॉपिक को पूरा पढ़े और वीडियो के द्वारा पढ़े, और लास्ट में है जो आप एक मॉडल पेपर ज़रूर तैयार करें। यानी आप मॉडल पेपर हल कर लोगे तो आपके पूरे जो सिलेबस है उसका रिवाइज हो जाएगा और आसानी से आप पूरी चीज़ को हल कर सकते हैं। तो इन 5 नियमों के अंतर्गत आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी जो है जल्दी सिलेबस हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये थी आपके राजस्थान पुलिस की रणनीति। आपको आपकी सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं, आप सफल हो और एक ईमानदार जो है पुलिस ऑफिसर के रूप में समाज की जो है विरोधी भावनाएं उनको बदलो और अपने समाज को एक विकसित समाज बनाने में देश की मदद करो। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।